नियम कार्यकारी रे एते विलंब काहेकि ओडिसा रे पछुआ वर्ग चिन्हट पाइ प्रक्रिया आरंभ सठिक रूपे कार्यकारी हेबो त प्रक्रिया पछुआ वर्ग चिन्हट पाइ राज्य रे आरंभ होइछि सरकारी प्रक्रिया एई वर्गर लोकक सामाजिक ओ शिक्षार स्थिति उपरे सर्वेक्षण करबा लागि राज्य सरकार ओडिसा पछुआ वर्ग कमिशन को अनुमति देइछन्ति अनुसूचित जाति ओ जनजाति विभाग तथा पछुआ वर्ग विभाग पक्षरु ए संक्रांत में विधिवद्ध विज्ञप्ति प्रकाश पाई तबे कमिशन कौन सानी निर्देशनामा जारी कर आरंभ होने उठी प्रश्न देश में नियम लागूर 30 वर्ष पर ओडिशा रे एहा कार्यकारी हेबारे आउ 5 रु 10 वर्ष लगभग तो दीर्घ 30 वर्ष होला देश में लागू हेलाणी ओबीसी और एससीबीसी संरक्षण नियम संविधान धारा 15(4) और 16(4) बल केन्द्र सरकार ओबीसी वर्ग को चाकरी क्षेत्र में 27% संरक्षण सुविधा देखते सुप्रीमकोर्ट वैध घोषणा कर मात्र दीर्घ वर्ष पर भी ओडिशा सरकार आज पर्यंत ओबीसी को निजुक्ति और शिक्षा क्षेत्र में और एससीबीसी को शिक्षा क्षेत्र में संरक्षण देना तमिलनाडु भली राज्य में 69% स्थान संरक्षित थिबा बेले एथिरु 50% पछुआ जाति संरक्षित रही मात्र ओडिशा जनसंख्या रे ओबीसी और एससीबीसी संख्या यथेष्ट अधिक थिबा बेले जनसंख्या अनुसार सेमाने संरक्षण सुविधारु वंचित होउछंती सुप्रीम कोर्ट को राय अनुसार अधिक प्रतिशत संरक्षण देबा पई प्रतिबंधक नहीं महाराष्ट्र रे मराठा कम्युनिटी पई 16% नियुक्ति और शिक्षार व्यवस्था करने पर महाराष्ट्र स्थान संरक्षण 63% को वृद्धि पाई राज्य में 1993 मसीह ओडिशा स्टेट कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट पास होता पर कार्यकारी होना पूर्व अनेक थर दाबी उठाई मुख्यमंत्री को चिठी लिखिंट केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज।